चौधरी विजेंद्र सिंह जी और हमारे यहां से सांसद रहे हैं, लगातार भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने कामों के अंदर कोई कसर कोर नहीं छोड़ी और जितने काम किए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बावजूद भी जो सुभाष बराला जी बता रहे थे कि इतना सम्मान देने के बावजूद भी आज वो दूसरी तरफ ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जिस दलदल से निकल करके आए थे उसी दलदल के अंदर दोबारा जा करके फिर फंस गए हैं भाई। और वो ऐसी दलदल है जिसको पूरा देश जानता है, कभी तो वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं और कभी भाइयों इस प्रकार का मैनिफेस्टो निकालते हैं कि हम न्याय देंगे और कभी उस दलदल के अंदर जा करके फंसे हैं कि होर्डिंग लगा करके बोलते हैं कि आप हमें वोट दो हम गारंटी देते हैं हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दो हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे। भाई उस दलदल के अंदर जा करके फिर फंस गए हैं। अरे 55 साल तक जो देश के ऊपर काबिज रहे हैं, देश के लोगों को अपमान सहना करना पड़ा है, देश के साथ अन्याय हुआ है, ये आज अन्याय की बात करते हैं। अरे देश भूला नहीं है, अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3-3 दिन तक मेरे देश के लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। न्याय तो नरेंद्र मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने वो न्याय दिया है कि उस लाइन को तो खत्म किया परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर आज तक नहीं पहुंचा था। भाई यह काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई वो उस दलदल के अंदर फंसे हैं, पूरा देश जानता है, ये हमारा हरियाणा प्रदेश ये वीरों की भूमि है, मैं इसको प्रणाम करता हूं। भाइयों मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करेंगे, हमें इस बात के लिए भी सचेत होना चाहिए। ये आज वोट लेने के लिए जिन लोगों ने 55 वर्ष तक इस देश को प्रशासन किया, आज ये लोग बोलते हैं कि हम गारंटी देते हैं हमें वोट दे दीजिए हम ये करेंगे। अरे भाइयों आज ये देश पूरा समझदार है, ये देश के लोग जानते हैं कि 55 सालों तक जिस व्यक्ति शासन के अंदर रहा है और 55 साल के बाद भी वोट लेने के लिए लोगों को गारंटी देनी पड़ रही है। जो घटिया बात करते हैं, जिनकी सोच इस बात से है कि हम अपने ऊपर वाले को खुश कैसे करें, मैंने ऊपर वालों को नाराज करके राजनीति की है। हाँ, और मैं ये देखता था कि मेरे को क्यों नहीं निकाल देते जल्दी। आज मैं कांग्रेस के मंच से ये बात कहता हूं कि इस देश की 70% आबादी जो अपना खून पसीना बहा के मेहनत करके कमाती है, चाहे वो किसान के खेत में और चाहे वो हमारा कमेरा वर्ग हो, उसको इंसाफ नहीं मिला। नौजवान आदमी ही क्रांति ला सकते हैं और उन्होंने कह दिया कि MSP का कानून बढ़ाएंगे। मेरा उनसे थोड़ा बहुत सूत बैठा तो मैं उन्हें कहूंगा जी इतना बता दो कि किसान बाजा बाजा फिर उन्होंने कहा भाई मेरी गोद गर्म हो यही ठीक बेचा है। यही बात कमेरे वर्ग के लिए। तो ये जो वास्तविकता है इससे भारतीय जनता पार्टी तो कोसों दूर है, और कोसों दूर इसलिए है कि उनका किसान प्रेम उनका गरीब प्रेम मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए कह सकता हूँ मैं प्रेम नाम की चीज नहीं है। ये जो सिनेमे देखो ना इसमें जब रोए है ना ये चाहे औरत रोए चाहे आदमी रोए तो ऊँ तो रोना क्या होगा, फोटो खिंचवानी है, एक कोई वो आती है दवाई ग्लिसरीन वो ला दे फिर तो इनके तो ग्लिसरीन ला ला कर रोए ये गरीब के लिए और दूसरों के लिए। इनसे उम्मीद मत रखो,
और मैं आपसे दावे से कहता हूं कि इस देश में करवट बदल रहा है मतदाता। 52 साल हो गए इस धंधे में, अच्छा ज्योतिषी बन सकता हूं मैं हाँ राजनीति का। ये जो ये बदलाव है ये राजनीतिक दल या राजनीतिक नेताओं की वजह से नहीं, ये इनके कुकर्मों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से, और बदलेगा। और जब भी पलटा लगेगा इस देश का मतदाता, इस देश का युवा, इस देश की हमारी बहनें ये लगाएंगी पलटा, और पलटा लगने को तैयार है। 1.5 महीने से मैं भी देख रहा हूं